नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने देखा दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों में बाजार में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का दौर चल रहा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पिछले हफ्ते भी कुछ दिन हमने देखे बाजार में कि शुरुआत नीचे की तरफ हुई, लेकिन बाजार जब बंद होता था तो काफी अच्छी रिकवरी हम ऊपर की तरफ आते हुए देखते थे, यानी कि नीचे की तरफ खरीदारी हम देख रहे थे। आज सोमवार का दिन, इस हफ्ते का पहला दिन, और शुरुआत भी आज कमजोरी से हुई, लेकिन आज भी हमने देखा है कि बाजार निचले स्तर से काफी अच्छी तरीके से ऊपर आया है, खरीदारी निचले स्तर पर हम देख रहे हैं, और इसके कारण हमने देखा कि बाजार में अच्छी खासी रिकवरी। कुछ स्तर आपको बता दूं बाजार का, जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 62,200 पर, करीबन 20 पॉइंट की रिकवरी हरे निशान में। निफ्टी कामकाज कर रहा है 18,500 के करीब, करीबन 10 पॉइंट की रिकवरी है, और निफ्टी बैंक जहां पर थोड़ी बहुत और मजबूती है, 90 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है निफ्टी बैंक, और स्तर है करीबन 43,720 का। ये जो हमने ब्यौरा पिछले हफ्ते भी दिया था आप लोगों को दोस्तों के बाजार एक दायरे में घूमेगा, और इस हफ्ते भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो दायरा है ये बना रहेगा, और हमने देखा है दोस्तों निफ्टी का निचला स्तर 18,350-400 के आसपास बन रहा है जहां पर खरीदारी दिखाई देती है, और ऊपर के तरफ करीबन 18,500-18,600 के आसपास फिर से मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। तो ये जो दायरे का कामकाज है, हमारा ये मानना है कि इस हफ्ते भी कुछ दिन आपको ये देखना पड़ेगा, और जैसे हमारा पहला नजरिया था ये जितना लंबा समय बाजार एक दायरे में बिताता है उतनी ही मजबूत बुनियाद बनती है, जिसके कारण इसके भविष्य में जो ऊपर के स्तर आएंगे उस पर झेल पाना काफी आसान हो जाता है और टिक पाना भी काफी आसान हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते भी कुछ दिन शायद ऐसे होंगे जहां पर आपको एक दायरे में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ पिछले हफ्ते के कारोबार को देखते हुए, आज के कारोबार को देखते हुए, और जिस तरीके से हमने पहले आपको राय दी थी गिरावट पर खरीदारी करें, एक मजबूत और सक्षम निवेश लायक पोर्टफोलियो बनाइए जिसके लेकर के भविष्य में आपको अपने निवेश के ऊपर अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। ट्रिगर्स को लेकर के या फिर खबरों को लेकर के ऐसे कोई बड़े कारण नहीं है, लेकिन जो बाकी अन्य बाजार हैं जैसे कि मुद्रा बाजार हुआ या फिर कच्चा तेल हुआ, वहां पर कुछ स्तर जो है वो बता दूं मैं आपको। तो रुपया कामकाज कर रहा है डॉलर के मुकाबले 82.63 के आसपास, कमजोरी के साथ रुपया कामकाज कर रहा है डॉलर के मुकाबले, और कच्चा तेल जहां पर हमने काफी अच्छी नीचे के तरफ के दायरे देख लें पिछले दो हफ्ते में, एक महीने में, ब्रेंट का स्तर है करीबन 76.50 डॉलर्स प्रति बैरल, और नाइमेक्स कामकाज कर रहा है 71.60 डॉलर्स प्रति बैरल। तो यहां पर हमने गिरावट देखी, लेकिन आज एक मामूली सी मजबूती हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि भारत जैसे बाकी अन्य देश जो काफी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं उसके लिए खुशखबरी है, और अगर रुपया में भी थोड़ी बहुत मजबूती आ जाती है डॉलर के सामने तो मेरे ख्याल से ये और सहारा दे सकता है हमारी वित्तीय परिस्थिति को, देश की वित्तीय परिस्थिति को। हर बार हम जिक्र करते हैं बाजार को ले, और दोस्तों बात ये भी है कि इस साल को खत्म होने में अब कुछ ही हफ्ते रह गए हैं, और हमारा ये मानना है कि आने वाला जो नया साल होगा 2023, वहां पर बाजार की नजरें होगी नतीजों पर, और बजट में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर क्या बताते हैं उसको लेकर के मेरे ख्याल से बाजार में थोड़ा बहुत उत्साह आपको देखने मिलेगा। बजट में क्या निकल कर आता है, वित्त मंत्री साहिबा क्या बताती है, ये तो विश्लेषण तब होगा जब बजट हमारे और आपके समक्ष होगा, और बाजार किस समझदारी के साथ उस बजट को समझता है और आकलन करता है ये देखना जरूरी होगा। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि हर बार बाजार में जब गिरावट आती है तो हम निवेश लायक कुछ रणनीति आपको बताते हैं, कुछ स्टॉक्स का सुझाव हम आपको देते हैं, तो इस बारी भी हमने दो ऐसे स्टॉक्स को चुना है।
एक है फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ जिसका नाम है हेल्थ केयर ग्लोबल। ये कंपनी जिस तरीके से नतीजे आए हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज हैं उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि एक अच्छा विकल्प होगा अगर आप यहाँ पर निवेश लायक रणनीति बना करके चलते हैं तो। लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है। और दूसरा क्षेत्र जो है वो है QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। मुझे यकीन है कि काफ़ी लोग जो मुझे सुन रहे हैं इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। नाम है जुबिलियन फूड वर्क्स यानी कि डोमिनोज पिज़्ज़ा। ये अपने क्षेत्र की यानी कि QSR सेगमेंट में सबसे पुरानी मजबूत सक्षम और निरंतर अच्छे नतीजे लेकर आने वाली कंपनी है। और भारत में जिस तरीके से युवा पीढ़ी है 35% आबादी की युवा पीढ़ी है, हमें लग रहा है कि इनके जो कारोबार है वो निरंतर बढ़ते जाएंगे। महीने दर महीने या फिर तिमाही दर तिमाही जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रेट है वहाँ पर आपको सक्षम रूप से ऊपर के तरफ के आंकड़े दिखाई देंगे। और जो इनके मेन्यूज पर प्रोडक्ट्स हैं वो आप भी भलीभांति परिचित हैं और हम भी भलीभांति परिचित हैं। तो हमें लग रहा है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। महंगाई को लेकर के जुबिलियन फूड्स यानी कि डोमिनोज फूड्स जैसी कंपनियाँ बहुत ही सरलता से अपने जो दाम है बढ़ा देती हैं और उपभोक्ताओं को उनको भुगतान करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इनके मार्जिन्स जो है मुनाफे के मार्जिन्स हैं वो काफ़ी सक्षम और मजबूत रहते हैं क्योंकि जो प्राइस इंक्रीज है ये पास ऑन कर देते हैं कस्टमर्स को या फिर उपभोक्ताओं को। ये एक अच्छे स्तर पर कामकाज कर रहा है ये स्टॉक भी। यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे काफ़ी सीमित लगते हैं और जिस तरीके से हमने बताया भारत की युवा पीढ़ी इतनी मजबूत है और मांग इसके प्रोडक्ट्स की काफ़ी बेहतरीन है तो जाहिर है नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। ये दोनों विकल्प दोस्तों बुनियादी तर्क के आधार पर है और इसके लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि आपके पास समय सीमा लंबी हो, साल डेढ़ साल दो साल, जितना ज़्यादा लंबा समय आप निवेशित रहते हैं उतना बेहतर आपको मुनाफा कमाने मिलेगा। तो बाजार में कंसोलिडेशन का दौर मेरे ख्याल से कुछ दिनों तक और देखने मिलेगा दोस्तों, और जितना समय हम यहाँ पर बिताते हैं बाजार की सेहत के लिए उतना ही अच्छा है ताकि आने वाले जो ऊपर के पड़ाव हैं वो हम झेल सकेंगे। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते का नमस्कार।